Namavam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Jayatam Suratavakam Lord Mama Mandamate Dati Matsarvasvapadam Godau Sri Radha Matamohanam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bhakto Jagatpate Gopesh Gopita Kanta Sri Radha Kandamohanam Sri Chaitanya Mahavishnu Sthapitam Yena Bhutale Soyam Rupah Kada Mahiyam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyasya Kripasindhubhye Vacha Patitanam Kavanithyo Vaishnavidyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yeah.
Yanimastvam Jadupate. हम जानती हैं त्वाम तुमको आपको जदु पते है जादों के स्वामी श्री कृष्ण का पार्षदम पार्षद समुपागतम यह भी जानती हैं कि आप राजरथ पर चढ़कर राजा नंद के पास आए हैं भर्त्रा अपने स्वामी के द्वारा यह प्रेषित यहाँ भेजे गए हैं और यह भी जानती हैं कि किस लिए आए हैं पितृ हो अपने माता पिता के भगवान आप प्रिय चिकित्सया प्रिय करने की इच्छा से गोपियों ने कहा हम जानती हैं कि आप जदुपति के पार्षद हैं और राजकीय रथ पर चढ़कर यहाँ आए हैं यहाँ आपके आने का प्रयोजन है श्री कृष्ण के माता पिता का प्रिय करना हमें पता है कि आप हम लोगों के पास नहीं आए अन्यथा नंद जसोदा के अलावा गो ब्रज गायों के ब्रज में उनका स्मरणीय कोई नहीं है क्योंकि अपने बंधुओं के प्रति स्नेह छोड़ देना बड़ा कठिन है बड़े बड़े विरक्त मुनियों के लिए भी अपने देह के संबंधियों का त्याग करना कठिन है तो आपको भेजा गया है हम इसका उद्देश्य पूरा पूरा समझते हैं केवल नंद जसोदा के लिए भेजे गए हैं आप तो श्री गोपियाँ इस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर के प्रति इस महाविरह में भी वाम भाव से बोल रही वे उद्धव जी से यह नहीं पूछी कि आप कैसे आए बड़ा अच्छा हुआ आप आए बिना उनसे कुछ पूछे सीधा कहती हैं हम जानती हैं हम जानती हैं आपको अब किस लिए आए हैं कैसे आए हैं इतने सुंदर नर्सरी कार पर चढ़कर आए न सुंदर रथ पर चढ़ कर के आए तो आपका रथ बता रहा है कि कृष्ण इस समय कितना ऊंचे पद पर हैं जब उनके दूत के लिए ऐसा सुंदर रथ मिल सकता है जो प्राइम मिनिस्टर पीओ के लिए इतना सुंदर गाड़ी है तो उनके लिए कितना सुंदर गाड़ी है
सब व्यंग है प्रेम में। हमको ये पता है कि कृष्ण इस समय जादवों के राजा हो गए हैं, मथुरा में द्वारकाधीश हो गए हैं और स्वयं नहीं आए, क्यों आएंगे? अब यहाँ भेंट करने के लिए उनके पास क्या है? तो दूत भेजे, सब जानती हैं। आप आए हैं, उनके माता पिता जसोदा और नंद का प्रिय करने के लिए, अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्षम है। हमें इस पूरे ब्रज में जिसमें क्या है, क्या धन है, कुछ गौएं हैं, ऐसे ब्रज में उनके असली स्मरणीय हम नहीं देखते हैं कि कोई है। नंद जसोदा के अलावा श्री कृष्ण के लिए स्मरणीय कुछ भी नहीं है। स्मरणीय नहीं, स्मरण करने योग्य ही कोई नहीं है तो स्मरण गत कैसे हो सकता है? स्मरणीय नहीं है, अतः उनके स्मरण में कोई आया ही नहीं होगा। यदि यथार्थ देखा जाए तो भगवान ने उद्धव जी को दूत बना करके भेजा है अपनी प्रियाओं के लिए, नहीं तो और किसी को भेजे होते। केवल नंद जसोदा को संतोलन देने की बात होती तो किसी को भी भेज सकते थे। बलराम जी को नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनके साथ वे बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध करने वाले थे, लेकिन और किसी को भेज दिए होते। परंतु उद्धव जी को भेजे हैं, एकमात्र उद्देश्य है श्री गोपी जनों का प्रेम, उनको सांत्वना देना, सुख देना। लेकिन गोपी जनों की ये भाषा है, प्रेम की भाषा। जानी वयम इति, हम जानती हैं तो इसका अर्थ है कि अब आपसे कुछ पूछना नहीं है और न कोई प्रश्न पूछना है, न आपका प्रवचन सुनना है, हम सब जानते हैं। सब जानती हैं इसका अर्थ है कि अब कुछ पूछना नहीं है, अलम प्रश्न नहीं थी अर्थ। क्या कुछ पूछना है, सब मालूम ही है तो पूछना क्या है? भगवान से इस प्रकार से वाम्य भाव और रुसना है, यह प्रियता की सीमा है। मान प्रायः संयोग में होता है, मिलन होता है, लेकिन विरह में भी इतना बड़ा मान, ये प्रेम का बहुत बड़ा उत्कर्ष। अन्यथा सखी देखो, श्री कृष्ण के लिए अपने में भी बात करके कह रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए याद करने जो कौन व्यक्ति है यहाँ, कोई नहीं है। हाँ, माता पिता हैं, क्योंकि विरक्त के लिए भी, चाहे कितना बड़ा त्यागी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, लेकिन देह के संबंधियों का त्याग कर देना कठिन है। देह के संबंधी हैं जसोदा जी, नंद बाबा, जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, तो श्री कृष्ण ने विचार किया होगा कि नंद जसोदा हमारे विरह में बहुत दुखी हैं, कहीं रोते रोते मर न जाएं। रोते रोते मर न जाएं, उनके मरने पर मुझे बहुत भारी अपजस मिलेगा। कृष्ण मथुरा में राज्य कर रहा है और इसके माता पिता इसको देखे बिना मर गए, केवल
10-20 किलोमीटर दूर रहता है, आ नहीं सकता था। तो कृष्ण सोचे होंगे कि अरे ये दोनों मर ना जाएं, इसलिए झूठ मूठ आने का बहाना करूं, उद्धव को भेज दूं जिससे कि जीवित रहे। और वैसे उद्धव जी हम जानते हैं कि कृष्ण का कोई स्नेह नहीं है माता पिता से, स्नेह नहीं है, केवल अपनी इज्जत का भय है, इसीलिए आपको भेजे। नंद जसोदा के प्रति कोई सच्चा प्रेम है नहीं, स्मरण के योग्य वे हैं बस इतना ही माना जा सकता है कि कृष्ण के स्मरण पथ में वे लोग आ गए, आपको दूत भेजे तो ठीक है, अब तो आपका प्रयोजन पूरा हो गया ना, जिनसे भेंट करने आए थे उनसे भेंट कर लिए, और हम लोग क्या फालतू अब पूछें और आपसे कहें। यदि कोई किसी के पास आया हो तब ना उसे समाचार पूछा जाए चाहे कुछ कहा जाए, जो दूसरे के लिए आया है और उसे भेंट हो गई तब क्या पूछा जाए। अपने संबंध का अपलाप करती हैं, अपलाप का अर्थ होता है ये सिद्ध करना चाहती हैं कृष्ण से हमको कोई संबंध नहीं है, मतलब कृष्ण के हम योग्य नहीं हैं। एक समय तो जदुपति हैं, जादव हो गए, जादव राज द्वारकाधीश, और हम तो बेचारी गोपियां हैं, हम गोप स्त्री हैं, कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं, और वे तो हो गए राजा। तब तो राजकन्याओं का संबंध होगा उनसे, तो हमें वे क्यों चाहेंगे, हम स्मरण के योग्य भी नहीं रह गए। स्मरण के योग्य भी नहीं है, कुतः स्मरण पथ गतार है इति अर्थ, स्मरण करने योग्य नहीं है, बल्कि अब तो कहाँ से वे हमारा स्मरण किए होंगे, नहीं किए। स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदुस्त्यज, मुनि के लिए भी जो बाल ब्रह्मचारी है छोड़ चुका है माता पिता को भाई को पहले से ही, लेकिन उसके लिए भी, उस मुनि के लिए भी भाई का स्नेह, माई का स्नेह, पिता का स्नेह टूट नहीं सकता। इसके द्वारा गोपीजन अपनी स्थिति भी बता रहे हैं, मुनि लोग भी अपने परिवार का संबंध का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन हम गृहस्थी में हैं, लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, स्वजन ससुर आदि को, सारे भोगों को, घर को छोड़ दिया है कृष्ण के लिए, लेकिन वे इतने निर्मोही निकले, हमने उनके लिए सब छोड़ा लेकिन वे कुछ भी नहीं छोड़े और हमें भूल गए। हमने सब कुछ छोड़ा उनके लिए, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म सब छोड़ा, वेद धर्म छोड़ा और लोक धर्म छोड़ा। लोक धर्म ये है कि पत्नी को, स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने श्याम सुंदर के लिए ने अपने पति का त्याग कर दिया। त्याग का अर्थ है कि उनकी बात पर हमने ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं बात माना। पति तो हमेशा रोकते थे, कभी तुमको वृंदावन में नहीं जाना है, घर में रहना है, और कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं रखना है, कृष्ण पर देखना नहीं है। अगर मैं आज देख लूँगा कि तुम कृष्ण पर देख रही हो तो तुम्हें पता चलेगा, इतना तक अनुशासन रहता। कृष्ण गोचारण करके जब आते थे शाम के समय तो गोपियाँ उनका दर्शन करने के लिए तड़पती रहती थी, दिन भर एक एक क्षण उनके लिए एक एक युग जैसा, कोटि युग जैसा बीतता,
उसमें कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठित रहते थे, लेकिन कुछ लोग तैयार रहते थे ये देखने के लिए कि इस गोपी की नज़र कहाँ जा रही है। और एक एक दिन की सूचना मिलती थी उनको, हल्ला करते थे ये बड़ा कृष्ण प्रेमिका हो गई, तो सास ससुर सब मीटिंग करके और खूब गाली देते थे। इस पर भी श्री गोपी जनों का स्नेह प्रेम भंग नहीं होता था। कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, भैया तजो दैया पे कन्हैया नहीं तजे। ठीक है, रोज गाली रोज, यह बिल्कुल उल्टा हो गई, स्कूल को बोर दिया, लेकिन भगवान के लिए कृष्ण के लिए सब सब कुछ सह लेती थी। और सास समझाती थी, बार बार कहती थी इसको क्या हो गया है, कहीं इसको ओझाई कराया जाए, दवाई कराया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। एक गोपी कहती है रसखानी जी के शब्दों में कि हमारे लिए लोग ओझाई करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं, इस वैद्य को दिखा रहे हैं, उस वैद्य को दिखा रहे हैं, ये कहीं उपाय है, कोई दूसरी सखी कहती है इसको ठीक करने के लिए कहीं उपाय है, कूब न कानहर के करते वह बैरी ने बांसुरिया गही डाले, कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है, कोई दवा काम नहीं करे, केवल कृष्ण के हाथ से बांसुरी छीन करके फेंक दिया जाए वह सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण की बांसुरी का एक चमत्कार है। एक सखी कहती है कि अरे सखी बांसुरी का भी उपचार है, कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजाई, कान में अंगुली डाल लूंगी नहीं सुनाई पड़ेगा बंसी का नाद, इसकी दवा है कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजाई है, मोहिनी तानन सो रस खाने अट्टा चढ़ी गई हैं तो गई हैं तो गई, भले ऊंचा पर चढ़ करके अटारी पर या गोवर्धन पर चढ़ करके गाएंगे या इस ब्रज में जब आएंगे तो ऊंचे स्थान से गाएंगे, लेकिन मैं तो कान में उंगली डाल लूंगी नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, मैं सबसे आज कह रही हूँ, एकदम पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ठीक है कृष्ण को हमारे सामने न किया जाए, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल को कितनों समझाई हैं, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई। मैं सबसे कह रहे हूँ कि उस मुख की मुस्कान देख लूंगी तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी, इसे आज ही कह देती हूँ, कल अगर देखूंगी कृष्ण को। माई मैंने सखी होता है, अरे सखी मायरी वा मुख के मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई, संभाला नहीं जाएगा। अब आँख बंद करके कहाँ रहूँगी, कान तो बंद कर लूँगी। आजकल एक प्लास्टिक का कुछ मिलता है उसको डाल लेते हैं कान में तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो उंगली भी नहीं डालना पड़ेगा, कुछ कपड़ा या रुई डाल लूँगी सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आँख पर पट्टी बांधे गंधारी जैसे कैसे रहूँगी। गंधारी एक ऐसी स्त्री थी जब उसने सुना कि उसका विवाह एक अंधे पुरुष से हो रहा है तो पलम पतिव्रता थी, उसने सोचा जब हमारे पति देव किसी स्त्री को नहीं देख पाएंगे तो मैं भी किसी पुरुष को नहीं देखूँगी, ऐसे वो रहती अपने पति के अतिरिक्त तो किसी को नहीं देख। एक बार भगवान का दर्शन उसने किया था श्री कृष्ण का, और एक बार दुर्योधन को अपने पुत्र को देखा था, बाकी अपने पति को देखती थी, पति के साथ रहती थी भीतर घर में तो हमेशा आँख पर आँख खोल कर रहते थे, जहाँ दूसरा कोई पुरुष नहीं था अपने पति को देखती थी, और बाकी
आँखों पर पट्टी बांध करके रहते थे। तो वो तो राज रानी थे, सैकड़ों दासियां थी सेवा करने के लिए, उसका गुजारा हो गया आँख बंद करके। अभी गोपी कैसे आँख बंद करके रहे, रोज बाहर काम करना है, गाय की सेवा करने में खिड़क में जाना है, इधर उधर जाना। तो मैं सबको समझा करके कह रही हूँ, जिसको जो करना हो करे, लेकिन उस मुख की मुस्कान हमसे संभाला नहीं जाए। अगर मुस्कुरा करके कृष्ण कुछ इशारा करेंगे तो मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगी। मैं कृष्ण के लिए दीवाना हो जाऊंगी, चल दूंगी, मिलूंगी, उनके साथ नाचूंगी, गाऊंगी, ये आज ही कह देते हैं। तेरी कहों सिगरे ब्रजलोगनी, काल को कितनो समझाई है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जन जन। ये है गोपीजनों का प्रेम। कोई भी बंधन धर्म का बंधन काम नहीं कर सका। लोग समझाते थे कि एक कुलवती नारी को, विवाहिता पत्नी को अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि हमारे असली पति श्याम सुंदर हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सबके पति हैं, और ये संसारिक पति तो दो चार साल के लिए हैं, और फिर या तो कब्र में जाएंगे, या चीता पर जाएंगे, या कोई जीव खा जाएगा, अंततः ये समाप्त होने वाला है। जड़ शरीर का संबंध नहीं होता, वास्तव में संबंध अवास्तविक आत्मा के साथ ही होता है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, पति के शरीर में और पत्नी के शरीर में आत्मा है, उसी से संबंध होता है ना, शरीर से संबंध नहीं होता है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाता है तो संबंध कहाँ रहता है। किसी मरे हुए मृतक से और मरी हुई मृतक स्त्री से क्या विवाह होता है? शरीर से शरीर का विवाह होता है? कभी कभी नहीं हो सकता। आत्मा जब तक है उसमें रह करके बोल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, तब तक ठीक है, संबंध होता है। मरे हुए शरीर का संबंध नहीं होता है, तो शरीर का संबंध नहीं है, आत्मा का संबंध है। तो आत्मा का वास्तविक संबंध है परमात्मा से, भगवान कृष्ण से, तो वही पति हैं। पर यह ज्ञान बड़े ही सौभाग्य से किसी कृष्ण को मिलता है, हमारे पति श्री कृष्ण हैं। और बाकी लोग इसी अज्ञान में रहते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हैं, कृष्ण को पूर्ण भूले हुए रहते हैं। और कृष्ण को कोई पति मान करके स्त्री उनका भजन करती है तो कहते हैं ये धर्म छोड़ दिया है, ये किया हो। धर्म यह नहीं, धर्म सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षरे, यह लौकिक धर्म है। और कब तक यह धर्म चलता है? जब तक शरीर है। शरीर छूटा तो धर्म भी उसी दिन टूटकर खत्म हो जाता है। भगवान ही वास्तविक पति है। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति यह भाव होना कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे पति हैं, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा भाव है, और यही नित्य रहेगा, स्थायी रहेगा। तो श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव होना चाहिए। सामान्यतः लोगों का अपने परिवार से, समाज से, गांव से संबंध है, देश से संबंध, या किसी कंपनी के समाज के स्टाफ से संबंध, ये स्टाफ है हमारा, ये हमारे दल का है, हमारे दल का है। और जिस दिन शरीर को छोड़ करके आत्मा निकल जाता है तब किस गांव का और किस परिवार का रहा, कौन किस के स्टाफ का है, सारा संबंध पूरा हो जाता है। ये सामान्य जनता की स्थिति है, लेकिन इसमें जो बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तपस्या करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं और घर गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी अपने बंधुओं का त्याग करना कठिन है।